नमस्कार साथियों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार बोचा विधानसभा, जहां पर उपचुनाव की जो गर्मा गर्मी है बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। मैं AK सिद्धार्थ और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं VIP न्यूज़ टुडे। वो आप लोगों को खबर दिखाता है जिसमें आप आगे और देश आगे होता है। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं जी। क्या स्थिति है आपके बोचा विधानसभा की? बोचा विधानसभा के रुझान यही है, अभी उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव में कई प्रत्याशी है, पिछली कितने प्रत्याशी हैं? टोटल 10 है। अच्छा, और कुछ पार्टी से है, कुछ निर्दलीय भी है। इस तरह तो क्या लग रहा है, किसका माहौल है? रमई राम का माहौल है कि अमर पासवान का? ऐसे रुझान तो त्रिकोणात्मक रहेगा, लेकिन VIP और RJD में लड़ाई रहेगा। तो RJD जीतेगी कि VIP? VIP अभी तक तो फर्स्ट भारी है। VIP सब पे भारी है। जी, मंत्री जी को जिस तरह से भाजपा सरकार ने जो है बर्खास्त करने का काम किया है और उनके विधायकों को अपनी पार्टी में विलय करने का काम किया है, तो उसका असर बोचा विधानसभा में है या नहीं है? पूरी तरह है। जीत रहे हैं। कौन जीत रहे हैं? रमई राम। जी, VIP के प्रत्याशी है जो रमई राम, पूर्व मंत्री, उनका रुझान अच्छा है और जीतने की पूरी संभावना है। अच्छा, आपका क्या नाम है? कौन जीत रहा है? रमई राम। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ में इधर ही बहुत मुकेश सनी के तरफ से रमई राम जिंदाबाद। रमई राम ओनली देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब लोग कह रहे हैं रमई राम। कौन? रमई राम है यहाँ से। 52% वोट है ना हमारा, तो रमई राम निकले। अमर पासवान हार रहे हैं 100%। भाजपा की क्या स्थिति है? जिंदाबाद बात रहे। वो भाजपा रहे या कुछ भी रहे, अभी तो फिलहाल VIP पार्टी है, तो वो समझे, उसका काम समझे। लेकिन यहाँ से वक्त हमारे साथ में इधर कुछ पीछे महिलाएं भी बैठी हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है जी? हरचंद्र सारे। क्या लगता है, अमर पासवान की रमई राम? कौन जीतेगा, रमई राम की अमर पासवान? रमई राम। आप? रमई राम। देखिए तो यहाँ पर सब लोग जो हैं रमई राम। और हमारे तार के बीच में ये बकरी आ गई है, इसको लेकर के हम घर जाएंगे। आज चलाया हुआ था बहुत दिन अब, लेकिन ये तो नए देख रहे हैं, चलेगा कि न, यही बात है। अच्छा, लहर किसकी है? लहर अब बताइए, लहर तो अभी हमको इतना अंदाजा नहीं कि लहर, अपने 2 से 4 दिन में अंदाजा मिल। रमई राम जीत रहे हैं ना? देखिए, रमई राम के तो लोग कह रहा है। नहीं, आप ये तो कह रहे हैं कि जीत रहे हैं, आप नहीं? नहीं, जीतने के लिए नहीं कह रहे हैं, लहर तो आप देखिए उन्हीं का मिलने में बुझा जाएगा। जीतने वाला बात नहीं है, मैं लहर है, जो भी जीते उसका इससे मतलब नहीं है। लेकिन रमई राम के हम लोग पार्टी है, कभी भी ओनली रमई राम बात रहे खत्म। चलिए तो देख सकते हैं, यहाँ पर काफी बच्चों ने हमें घेर लिया। रमई राम जिंदाबाद। VIP पार्टी जिंदाबाद। मुकेश सहनी जिंदाबाद। जी, उषा के मटिया अथी करुआ तेल 300 रुपया कमाई है। दिक्कत है जो 300 रुपया मजदूरी करते हैं, 200 के करू तेल है, 5 गो बाल गोपाल है, उसमें कैसे खाएगा? खेत न पथारी हम लोग के है। हम ये कह रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन बिजनेस का के खा के जिएगा आदमी? हाँ, आपका क्या नाम है? नाम क्या आपका? नाम? हाँ, नाम है हमारे कांति देवी। नाम है कांति देवी। हाँ, तो भी आपके क्रांतिकारी विचार हैं। हाँ, नाम से आपके विचार मिलते हैं। अरे हम लोग का देखिए था, छप्पर पर पन्नी धरे हुए है। जी, आएंगे आपके क्षेत्र में विधायक आएंगे तो उनको बताइए कि ये समस्याएं हैं। वे पन्नी के घर में राम, हाय हाय, अपना अपना। जी। आपका क्या नाम है? अरे भाग क्यों रहे हैं आप, बताइए आपका क्या नाम है? मैं राकेश कुमार हूँ। कौन जीत रहा है, रमई राम अमर पासवान? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी, रमई राम। भाई जीते वाला बात ना है, कच्ची कोई जीते उसे कोई मतलब नहीं है, मुकेश सहनी की तरह। आपका क्या नाम भाई साहब? हमारा नाम है भाई। अरे भाई नाम, सब लोग भाग रहे हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है जी? बोलिए, कौन जीत रहा है? रमई राम।
कौन जीत रहा है अभी तक महागठबंधन में नहीं है। नहीं तो माहौल किसका है? त्रिकोणीय लड़ाई है। कौन त्रिकोणीय, कौन कौन है, नाम बताओ। त्रिकोणीय में बेबी कुमारी है। बेबी कुमारी का तो सुपड़ा साफ है, भाजपा कोई नहीं वोट दे रहा। पूछो कौन दे रहा भाजपा को वोट? कोई नहीं दे रहा। अभी तो हम लोग का है विकासशील पार्टी जो है मुकेश साहनी जी जी जी, वही जीत रहा है ना रमई राम। अभी उसी को हम लोग वही रमई राम सब पे भारी है यहाँ पे सब लोग। महिला है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है बीजेपी जो है वो पहली बार नहीं किसी को गद्दारी दी है, उनका पूराना इतिहास है। फॉरवर्ड की पार्टी है और पूंजीपतियों की पार्टी है। वीआईपी पार्टी कह रहे बिहार में भाजपा का सूपड़ा साफ कर देंगे, धूल चटा देंगे। ये तो सत्य बात है, अगली विधानसभा पूरी तरह सूपड़ा साफ होगी। इस बार तो है ही, अगली बार भी होगा। ये तो सीटिंग सीट था, इसलिए बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी आज़ाद है, कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। और वीआईपी को ये धोखा देने वाला पहली वाली बात नहीं है। अभी बैकग्राउंड में आप जाइए, जो मुकेश साहनी के साथ भाजपा ने किया धोखा किया है ना, ये पहली बात नहीं है। अब चिराग पासवान को देख लीजिए, बीजेपी ने ही धोखा दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए क्या हाल है। अभी उपेंद्र कुशवाहा कहीं का नहीं है, वही हाल अपना वीआईपी को ये इन्होंने नज़रअंदाज किया जो आपके पूछा भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक राज है। दीपक जी एक बात बताइए कि आपके गांव के क्या मुद्दे हैं, मतलब जैसे सड़कें, बेरोजगारी, बिजली पानी को क्या लेकर के समस्या? यहाँ पर सब चीज़ मिला जुला के ठीक है। सबसे बड़ा पहला मुद्दा और आखिरी मुद्दा पानी का निकासी। पानी का निकासी नहीं है? नहीं है, इसलिए किसान एकदम ताहिमान है, एक भी फसल नहीं हो पाता है। ये पिछली बार आज से नहीं, करीबन 50 साल से ये मुद्दा आ रहा है। लेकिन कोई भी सरकार हो, या तो आरजेडी को हो या बीजेपी को हो, शिक्षा की स्थिति कैसी है आपके क्षेत्र में? शिक्षा की स्थिति सही है, बढ़ोतरी है। बट बिकॉज ये जितने भी किसान लोग, शिक्षा में बढ़ोतरी है लेकिन नौकरियों में बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार अभी सब चीज़ सब बुआ रहा है। नौकरी नहीं है यहाँ, नौकरी नहीं है। नहीं तो जो नौकरी देते हैं उनको वोट करिए ना आप लोग, तो उन्हीं को देंगे। अच्छा ठीक है जी, बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात है बीजेपी ने क्या किया, हर चीज़ अब प्राइवेट गवर्नमेंट से जोड़ रही है, ठीक है। अब आप परसेंटेज देख लीजिए, 2016 के रुझान से अभी तक का रुझान देख लीजिए, कितने परसेंट में बहाली आती है। जो बहाली अब एक साल में रुझान होना चाहिए उसको पेंडिंग में 5 साल तक ले जाता है। ये अभी बीजेपी पूंजीपतियों का सरकार है, इसलिए बोचहां विधानसभा में ओनली वीआईपी, जय वीआईपी। मकानों की स्थिति कैसी आप लोगों के यहाँ? मकानों की स्थिति सही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत से बहुत सारे लोगों को लाभ मिला। शौचालय की? शौचालय अभी पूर्ण संपूर्ण नहीं है, करीबन अभी अधूरा है। तो इस गांव के लोग जो है मैक्सिमम कार्य क्या करते हैं? कार्य क्या है, अधिकतर मजदूर है, अति पिछड़ा का गांव है। और इसमें शिक्षा की सुधार, बहुत सारी सुधार हुई है। और सबसे बड़ी समस्या रोड का तो कुछ निदान हुआ। हमारे अमर पासवान जी के पिताजी जो दिवंगत हुए हैं, आबिर पासवान जी, उनके रीजन में कुछ कार्यक्रम भी हुआ, लेकिन जिस तरह होना चाहिए उस तरह बीजेपी ने अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग पर कोई ध्यान बात नहीं देते हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनको जो रिजर्वेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाया है, उसमें अभी 15% और उसमें बढ़ना चाहिए, तो क्या ये जरूरी है? ये एकदम सत्य बात है। अभी आप देख लीजिए फॉरवर्ड की सरकार है, उनको आरक्षण 10% जो अति पिछड़े हैं सबके लिए मांग कर रहे हैं ना, तो ये तो मांग जायज मांग है। क्यों मांग है क्या बताइए? सबसे अगर कमजोर लचीला परिवार है अति पिछड़े में रहते हैं, और ये जायज मांग है। और जो भी बीजेपी सोच रही है कि यूपी में हमको डैमेज किया है, करीबन 50 सीट डैमेज हुआ है बीजेपी को, इसी रुझान से अगर मुकेश साहनी को गलत निगाह से देख रहे हैं, इनकी सोच गलत है। ये अगली विधानसभा पता चलेगा कि सुपड़ा साफ होगी बीजेपी के। जी यही मेरा कहना है, जय वीआईपी। अच्छा कोई भी पार्टी जो है आरक्षण की बात नहीं कर रही है, मंत्री जी जो है आरक्षण को लेकर के बिल्कुल भाजपा को उन्होंने कहा कि हमसे समझौता करने का काम किया, लेकिन हमने जो है बेईमानी नहीं किया, समझौता करते तो आज हमारा विधायक भी रहता और हम मंत्री भी रहते, लेकिन हमने समझौता नहीं किया, बेईमानी नहीं किया, समाज के साथ खड़े हैं और आरक्षण दिला करके रहेंगे, क्या कहेंगे? ये सत्य बात है, वो जो बोल रहे थे हम सत्य बात बोल रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा आज से नहीं, जब से वो पार्टी का अपना वीआईपी का स्थापना की तब से वो डिमांड है, और ये डिमांड तो बोल ही रहे थे कि हमको आरक्षण दे दीजिए, और हमारा जात समूह का जो आदिवासी दिल्ली में है कई और राज्यों में भी आरक्षण चल रहा है,
सैनी समाज का जो आरक्षण मिलता है वो आप दे दीजिए, हम अपना पार्टी बीजेपी में विलय कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर वीआईपी पार्टी जो आरक्षण के लिए लड़ रही है, सब लोग साथ में हैं, महिलाएं साथ में हैं, ओनली सिर्फ वीआईपी पार्टी नाव छाप का बटन लोगों को दिखाई दे रहा है इस वक्त। और बोचा विधानसभा में वीआईपी पार्टी सभी पार्टियों के ऊपर भारी है और पूर्ण रूप से भारी। और देख इस गाँव के लोगों का दावा है कि सिर्फ और सिर्फ वीआईपी पार्टी यहाँ से जीतेगी। आपका क्या नाम है? पथलू सहनी। पतलू साइनी जी, क्या लगता है किसकी लहर है? लहर है नैया छाप के। नैया छाप किसका है? नैया मुकेश साहनी। तो रमई राम जीत रहे हैं? हाँ। तो देखिए इनका भी कहना है कि रमई राम जीत रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। आप लोग इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। देख रहे हैं यहाँ पर जितने आप हमारे चारों तरफ ये लोग देख रहे हैं, यहाँ पर नारे भी लग रहे हैं कि रमई राम जिंदाबाद, मुकेश साहनी जिंदाबाद, नाव छाप जिंदाबाद, इस तरह की जो है सब चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों को देखना है, इसको शेयर करना है। और मैं AK सिद्धार्थ आप लोगों को फिर मिलूँगा। धन्यवाद।